आइए साथ मिलकर योग की एक वैज्ञानिक खोज का प्रारंभ करें, जहां आप वैज्ञानिक हैं और प्रयोगशाला है आपका हृदय, और आप ही हैं परिणाम। नमस्कार, दाजी के साथ ध्यान कार्यक्रम में आपका स्वागत है। इस हफ्ते फिर से दाजी कुछ प्रश्नों का जवाब देंगे। हमें जो प्रश्न निरंतर प्राप्त हो रहे हैं, हम उन्हें दाजी के सामने रखने का प्रयास करेंगे। प्रश्नों से ही ज्ञान बढ़ता है। जब हमारे प्रश्नों का जवाब मिलता है, उससे ही हमें सीखने का मौका मिलता है। तो आइए शुरू करते हैं प्रश्न उत्तर का ये सत्र, और उसके बाद करेंगे ध्यान दाजी के साथ। दाजी, हार्टफुलनेस दिल से संबंधित है, लेकिन अगर कोई ऐसा काम हो जिसे दिल से करने का मन ही ना करे, तो ऐसे में हम क्या करें? मत करो। दिल जब मना करता है तो स्वाभाविक है कि हमें नहीं करना चाहिए। मजबूरन करना पड़े वो दूसरी बात है। जैसे फैमिलीज में शांति के लिए हम को मन को मानना पड़ता है, चलो कर लेते हैं, लेकिन उसकी भी एक लिमिट बांध लो आप, अब यहाँ तक, बाद में नहीं। आपको देखो अपनी ज़िंदगी में क्या क्या महसूस हुआ, जब भी हमने अपने हृदय की बात सुनी और जब हमने हृदय की बात नहीं सुनी, दोनों के परिणाम कैसे होते हैं, आप गौर करके देख लो। किसी से पूछने की ज़रूरत ही नहीं है, ये सब थोड़ा अवलोकन करो अंदर से कि जब मैंने मेरे हृदय की बात नहीं सुनी तब कैसे परिणाम आए थे। फिर तो सीधा सॉल्यूशन है। दाजी, सतत स्मरण की स्थिति कैसे प्राप्त करें, क्योंकि अक्सर हम दिन के कामों में ही विलीन हो जाते हैं, फिर बाद में याद आता है कि सतत स्मरण हुआ ही नहीं। जैसे माँ होती है, माँ के बगैर बच्चे तो नहीं होते, वैसे ही सही ढंग से हम जब ध्यान करते हैं तो जो हालत अपने में बनी रहती है वो हमको छोड़ने को तैयारी नहीं होगी। इट इज़ लाइक स्पिरिचुअल कंडीशन दैट कंटिन्यूस टू टेक योर माइंड इन ए गॉडली डायरेक्शन। ऐसी हालत पैदा हो जाती है कि उससे दूर होने का मन ही नहीं करता है। कोई भी काम करें हम, सपोज सुबह हम ध्यान किया, ध्यान के बाद की जो हालत बन गई, वो हालत को आँख खोलने के बाद 5 मिनट या 2-3 मिनट बैठे रहो जहाँ आप ध्यान कर रहे हो, और देखो कि ये हालत को हम दिन भर कैसे रखें, वो कैसे हमारा स्वभाव बन जाए। हर दिन नई नई हालतें आएगी, वो उनको स्वभाव में इनकॉर्पोरेट करते रहो, तो हमेशा हमारा कंटिन्यूस ट्रांसफॉर्मेशन होता रहेगा। से ड्राइव करते हो या आपका तो ड्राइवर हो या कुकिंग करते हो, सिर्फ एक बार ही कनेक्ट करना है कि मैं ईश्वर से जुड़ी हुई हूँ या जुड़ा हुआ हूँ। बाद में थोड़ा काम और बदला, लॉन्ड्री में कपड़े डालना है या किसी क्लाइंट के साथ बात करना है, तो उसी समय ही ईश्वर से साथ कनेक्ट कर लो अपने को। बस एक ख्याल ही करना है कि मैं उनके साथ कनेक्ट हूँ ही। दाजी, यदि मन में बुरे विचार आए तो हम क्या करें? बुरे विचार आए, जब आप अकेले में होते हो, बुरे विचार आए तो आप क्या करते हो? जब ध्यान में बैठे हो, खास करके प्रिसेप्टर के साथ या अपने गुरुओं के साथ, तब बुरे विचार आते हैं तो ऐसा मन में होता है कि अभी क्यों आ रहा है ये विचार। अच्छे विचार आते हैं,
इनको इतना दान कर दिया मैंने, इनको इतना खिला दिया, इतना उपकार किया हमने, उस समय तो हम कुछ सोचते नहीं है, उसमें ही चलते रहते हैं, इतना दान किया है, इतना इतना करना है, वो भी तो विचार है। विचार तो विचार ही है जो हमें ध्यान से दूर होने से मजबूर कर देता है। बुरा हो या अच्छा हो, हमारे ध्यान को भंग करता है। जब भी बुरा विचार आए जो मन को पसंद नहीं हो, और ऐसे ही कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है शरीर में, अभी क्यों आता है, तो थोड़ी देर के लिए एक फ्रैक्शन ऑफ ए सेकंड आँख खोल दो, एक तरीका है। दूसरा तरीका है प्रार्थना करो ईश्वर से, तो अपनी जो सहज मार्ग की हार्टफुलनेस की प्रेयर है, हे नाथ, गदगद हो के प्रेयर करो, ये दूसरा तरीका है। तीसरा तरीका है गहरा श्वास लो और धीरे से छोड़ दो। ये तीन तरीके हैं, और भी कुछ नहीं होता है, थोड़ा चल लो 2-3 मिनट, किताब पढ़ लो कोई अच्छी धार्मिक, मन ऐसा मूड बनाओ, बाद में ध्यान करो तो कुछ फर्क पड़ता है। ऐसे इतनी हम कोशिश कर सकते हैं, बाद में नहीं होता है तो ईश्वर प्रणिधान होके उन पे छोड़ दो, आज नहीं तो बाद में करेंगे, शाम को करेंगे, सुबह करेंगे। ये हालत हमेशा के लिए तो नहीं बनी रहती है, लेकिन जो बार बार कोशिश करता रहता है उनको ही सक्सेस मिलती है। दाजी, हमें जब कोई नेगेटिव विचार आता है तो पूरे बदन में एक गर्मी सी पैदा होती है, उसका क्या समाधान है? गर्मी तो नेगेटिव थॉट से होएगी, क्योंकि हम उसको प्रिवेंट करने की कोशिश करते हैं, तो हमारे मन में टसल होती है, तो एनर्जी और मैटर का जब टसल होता है तो गर्मी तो होएगी। जैसे हम कुछ गलत कर देते हैं और माँ ने पूछ लिया, बेटे आज तूने क्या किया बताओ पूरे दिन, और जब जो गलत किया वो बताने की टाइम आती है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, छोड़ो अभी क्यों पूछ रही है तू, है ना। तो उसका फिजियोलॉजिकल भी इम्पैक्ट पड़ता है। अच्छे विचार आते हैं तो मन प्रफुल्लित हो जाता है, एकदम जॉयफुल हो जाता है, वो भी फिजियोलॉजिकल इम्पैक्ट है, इमोशनल इम्पैक्ट है। तो हमारी सोच से हमारी फिजियोलॉजिकल हमारा फर्क पड़ जाता है, और धीरे 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 अपनी सोच से ही हमारा जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन भी हो जाता है, जिसको आजकल एपिजेनेटिक्स में बहुत स्टडी करते हैं लोग, कि जिस घर का माहौल इतना अच्छा होता है, मैं आध्यात्मिकता की बात नहीं करता हूँ, सिर्फ माहौल शांतिपूर्व हो, एक दूसरे के साथ समझ में रहते हैं, वो घर का माहौल, और जहाँ स्ट्रेसफुल हमेशा झगड़ा ही होता रहता है, उनकी जितनी भी तबीयत को सोचो, कोरोना हो जाता है तो फटाक करके उनको इन्फेक्शन लग जाती है, ब्लड प्रेशर भी बढ़ता रहता है, इम्यूनिटी भी कम होती जाती है। जहाँ बच्चे पैदा होते हैं, दोनों की फैमिली में अलग अलग तरह की बच्चे पैदा होंगे, उनके संस्कार भी अलग होंगे। जिस घर में ध्यान होता है, ऐसा नहीं कि ध्यान करना पड़ता है इसलिए ध्यान करते हैं, नहीं, मेरे नाना करते हैं, नानी करती है, इसलिए मुझे भी करना पड़ेगा, बेहतर है आप मत करो। अपने हृदय में ईश्वर के प्रति तड़प है तो करो। जहाँ अभी हमने देखा है, अभी तो रिसर्च भी किया है MS यूनिवर्सिटी इन बड़ौदा, फैमिलीज़ के जहाँ सब लोग ध्यान करते हैं, फैमिलीज़ के जहाँ कोई भी ध्यान नहीं करता है, फैमिलीज़ के जहाँ हस्बैंड करते हैं या वाइफ नहीं करती है, या वाइफ करती है लेकिन हस्बैंड नहीं करते, उनकी हैप्पीनेस इंडेक्स बनाया उन्होंने। सबसे बढ़िया था नेचुरली जो सब साथ में ध्यान करते हैं। ताज्जुब की बात है कि जो नहीं करते हैं वो जहाँ एक ही करते हैं उससे ज़्यादा खुश रहते हैं,
जहाँ एक ही ध्यान करता है वो टारगेट बन जाता है पूरे घर का, ये कैसा है, ये कैसी है, बहुत ऑड आदमी है, उसको एक जगह कर देते हैं लोग, तो उसमें सुख कैसे आएगा, शांति कैसे आएगी, अटैक करते रहते हैं, ये तो अलग है। तो ध्यान करें तो घर में सब लोग साथ में करें तो बहुत अच्छा रहेगा। ऐसे हमने ब्राइटर माइंड बच्चों को भी बहुत सिखाए हैं कैसे कैसे, वो इतना जल्दी सीख जाते हैं बच्चे लोग, जैसे मेमोरी बच्चों की सही कई टेक्निक से बढ़ जाती है, आंख बंद करके भी वो पढ़ सकते हैं। तो जो फैमिली में माँ बाप ध्यान नहीं करते हैं, वहाँ के बच्चे को सिखाते हैं फिर भी 2-3 महीने में वो भूल जाते हैं। जहाँ फैमिली ध्यान करती है और उसका बच्चे को ख्याल भी करती है ब्राइटर माइंड्स के लिए, वो ब्राइटर माइंड की टेक्निक लाइफ टाइम रह जाती है। तो हमारे देश की संस्कृति भी ऐसी है, आप देखो चलचित्र बनाते हैं या फोटोग्राफ्स बनाते हैं, शंकर भगवान के देखो, श्री कृष्ण जी के देखो, महाभारत युद्ध के पहले का फोटो फोटो तो वो तो इमेजिनेशन से ही किया है कि श्री कृष्ण जी कैसे ध्यान में बैठे हैं महाभारत के पहले। हनुमान जी को देखो, एकदम ध्यान में ही हालत में श्री रामचंद्र जी के कदमों में बैठे हैं, और ये चारों लोग, मैंने रामायण में फोटोज देखे जब छोटा था तब, पढ़ते तो नहीं थे लेकिन पिक्चर्स देखते थे तो बहुत फोटोज अच्छे लगते थे। तो और मेरे को एक ध्यान कैप्चर क्या किया मेरा ध्यान, कि जब चारों लोग ध्यान करते, श्री राम जी, माता सीता, लक्ष्मण एवं हनुमान जी साथ में बैठ के ध्यान, शंकर भगवान की तस्वीर मेरे पिताजी रखते थे घर के आते ही ध्यान में कैलाश ऊपर, ये जो तस्वीर है हजारों वर्षों से अलग अलग फॉर्म में आई है, लेकिन सबका एसेंस जो है भाव तो एक ही है ध्यान। शंकर जी को क्या जरूरत पड़ गई ध्यान करने की, वो तो देवता है। श्री रामचंद्र जी को क्यों ध्यान की जरूरत पड़ गई, माता सीता को क्यों पड़ी, श्री कृष्ण को क्यों पड़ी जरूरत, किस पे ध्यान करते थे वो? क्यों करते थे, उनको जरूरत क्या थी और किस पे ध्यान करते थे, सोचने की बात है। जवाब मिले या न मिले लेकिन प्रश्न अपने हृदय में बनाए रखो, जिससे हमें मोटिवेट होएंगे कि हमें भी कुछ करना चाहिए। देव देवियों को जरूर पड़ गई तो हम मनुष्य हैं, हम तो मात्र मनुष्य हैं। ध्यान की प्रक्रिया से हमारा हृदय मन ध्यानमय हो जाना चाहिए, हमारा स्वभाव भी ध्यानमय हो जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा। आइए अब हम सब हर हफ्ते की तरह दाजी के साथ ध्यान करते हैं। जो लोग आज पहली बार ध्यान कर रहे हैं हमारे साथ, तो उनको ऐसा हम बताएंगे कि ऐसे ध्यान करना है। आपके पास से सभी भटकाने वाले साधनों को जैसे फोन आदि को हटा दें और हृदय में ईश्वरीय प्रकाश की उपस्थिति है उस पर ध्यान करें। सोचिए कि यह दिव्य प्रकाश जो मेरे हृदय में मौजूद है वो मुझे उनकी ओर खींच रहा है और मैं यहाँ से आपको प्राणाहुति भेजता रहूँगा, जिसका आप खुद अनुभव कर सकते हैं। इस विचार को जितना संभव हो उतनी देर तक बनाए रखें। अगर आपका ध्यान
इस पवित्र विचार से भटक जाए और आपको बहुत से विचार आने लगे, तो अपने आप को बस यही याद दिलाएं कि आप दिव्य प्रकाश की उपस्थिति पर ध्यान कर रहे हैं। सो लेट्स हम सब साथ में ध्यान करें। प्लीज स्टार्ट मेडिटेशन।
दैट्स ऑल। अब अपनी आंखें बंद रखते हुए धीरे धीरे ध्यान की स्थिति से बाहर आएं। कृपया नोट कर लें आपको कैसा लगा। हम अपने ऑब्जर्वेशन लिख लेते हैं। दाजी के साथ ध्यान कार्यक्रम में जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। कृपया अगले हफ्ते फिर जुड़िएगा हमारे साथ।